ये पहले तो क्वेश्चन आउट होना बहुत गलत बात है, उसके बाद आपको बच्चों के को मद्देनजर रखते हुए डेट। मेरे भाई जितने भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको एक मैं शायरी सुनाना चाहता हूँ कि अब की दोस्ती न पानी न आग न तोरा बियाह के हरदिस होई, कि अब दोस्ती न पानी न आग न तोरा बियाह के हरदिस होई, और प्यार दिल से ना बिहार पुलिस खाकी वर्दिस होई। नमस्कार, हम पहुंचे हैं गांधी मैदान में और आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है और बहुत सोचने समझने की दिन है, क्योंकि मार्कोस फिजिकल एकेडमी के मार्कोस सर यहां पे उपस्थित हैं। जानते हैं कि आखिर क्या दुख दर्द है बच्चों का, जो आज लेकर के बच्चों के साथ खड़े हैं। स्वागत है आप सब। जय हिंद आपके चैनल को। सबसे पहले काफी ज्यादा परेशानी ये हो रही है कि एक बार तो एग्जाम हुआ और एग्जाम अक्टूबर को 1, 7 और 15 तारीख को थी, और 1 तारीख को जो एग्जामिनेशन हुई उसके बाद उसकी क्वेश्चन आउट हो जाती है और क्वेश्चन पूरे 7 और 15 वाले डेट को रद्द कर दिया जाता है। तो ये उसके बाद डेट आना चाहिए। पहले तो क्वेश्चन आउट होना बहुत गलत बात है, उसके बाद आपको बच्चों के को मद्देनजर रखते हुए डेट देना चाहिए था। भी डेट नहीं आई है, युवा परेशान है। हम सभी बच्चों को ये राय देते हैं कि आप मेहनत करिए, पढ़िए। बच्चे गांव से दूर दराज से बैग उठा के आ जाते हैं, और बहुत सारे गार्जियन ऐसे हैं कि सूद पे पैसा लेके बच्चों को पढ़ने के लिए देते हैं कि आप जाओ मेहनत करो, हम यहाँ मेहनत करके कमा के चुका देंगे। और बच्ची छोटी है, बहुत के परिवार में ऐसा है कि बेटी का शादी करना है लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसके वजह से काफी दिक्कत होती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एग्जामिनेशन जल्द से जल्द हो, मेरे कहने का मतलब है। और जो मेन चीज है, हम सभी तो लड़कों को लाख मोटिवेट करते हैं कि आप मेहनत करिए, पढ़िए, आगे बढ़िए, गार्जियन भी उसको पीछे से डंडा देते रहते हैं कि बेटा आप पढ़ नहीं रहे हो, आप पढ़ो। लेकिन बच्चा पढ़े तो पढ़ के क्या करे, मेहनत करके क्या करे। जो बच्चा मेहनत कर रहा है, देखिए हमारे पास जो भी लड़के हैं इधर, ये लड़का खड़ा है, लोग सबका फिजिकल एक्सीलेंट है, ठीक है। ये टोटल जो बगल में खड़ा है सबका एक्सीलेंट है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई चेक भी कर सकता है। लेकिन ये जो लड़का है मेहनत करके, और आप इससे पहले जानिए, मैं पहले इसका इंटरव्यू लीजिए। आप क्या नाम है बच्चे? मेरा नाम अभिमन्यु कुमार हुआ। सबसे पहले मेरे गुरु जी का, जितने भी यूट्यूब फैमिली है, सब सबको जय हिंद जी। क्या समस्या आ रही है जो गुरुजी अभी मुख से बयान कर रहे हैं, तो समस्या क्या आ रही है, परिवार में क्या सुनने को मिलता है आप? जी जी, मम्मी हमको 8 साल दूध पिलाई है। मम्मी बोलती है तुम कहीं पे रनिंग करना, फिल्टर फाड़ देना पूरा। अभी बोलेगा कोई भी बोलेगा 100 में 100 फिजिकल में उठाने के लिए, तो 100 में 100 फिल्टर में, मतलब रनिंग में उठा लेंगे हम। और बोला एग्जाम के लिए, तो एग्जाम के लिए रात में नींद नहीं आती है हमको, सोचते हैं तो आँख में सांसू आ जाती है, रूह कांप जाती है सोच कर। मेरे पापा जी का यही ख्वाहिश है कि जहाँ पे भी हो अच्छा से रनिंग करो। इस बार वर्दी बिहार पुलिस में लेना है तो लेना है, हर एक हालत में। बिहार पुलिस तो एग्जाम में नहीं ले रही है, बार बार एग्जाम में पेपर लीक हो जाना, ये लीक वाली समस्या स्टूडेंट का है सर। देखिए हम तो यही बात कहना चाहेंगे सरकार से, अभी सरकार तो खुद अपने में फाइनल नहीं कर पा रहा है कि हम मुख्यमंत्री रहेंगे कि तुम रहोगे। इतनी परेशानी है बिहार में ना कि देखिए इससे आम जनता परेशान होता है। क्राइम भी उतना ही चरम सीमा पे है ना। एग्जाम दीजिएगा तो बच्चा गांजा पिएगा, दारू पिएगा, भांग खाएगा, गोली चलाएगा। उसको आप बोलिएगा कि गलत कर रहा है, तो बच्चा कहाँ गलत कर रहा है? उसको कोई रिसोर्स ही नहीं दे रहा है कमाने का, कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो बच्चा क्या करे बताइए आप। ये तो बहुत जरूरी है कि उसको मौका मिलना चाहिए। और मैं पूरे बिहार पुलिस आयोग से और जितने भी मेंबर्स हैं सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, कि आप उन गरीब बच्चों का ध्यान रखें। क्योंकि अभी देखिए इतना ज्यादा ठंड में तो बिजनेस का मार हैम्पर होता ही है, गाँव में लोग वापस मजदूर आ जाते हैं, ठीक है, अभी कैसे गुजारा करते हैं इस ठंड में, तो आप समझ रहे होंगे। और बिहार में गरीबी है, आप इस बात को समझिए, बिहार में जितने भी मजदूर है ना, जो जितने भी किसान हैं, पैसे कहाँ से आते हैं वो उनको पता है, या उधारी लेते हैं वो 5,000 ना, तो दोबारा लोग मांगते हैं, फोन करके 10,000 बार फोन करते हैं 5,000 रुपए के लिए, कहाँ से देंगे? ना बेटा नौकरी कर रहा है, ना घर में कोई है, बेटा को पैसा भेजना भी होता है, वो आदमी मर जाएगा, फांसी आए दिन फांसी लगाते हैं लोग, तो उसको कौन समझेगा? बेटा तो पैदा कर दिया, उसको पढ़ा भी दिया, जवान भी कर दिया, अब अगर आप भर्ती नहीं लेंगे तो क्या करेगा? प्राइवेट काम करना उसका, इतना पढ़ा लिखा लड़का, वो कैसे प्राइवेट काम 7,000 की नौकरी कर सकता है? उसके भी दर्द को समझना पड़ेगा। क्या बता, मेरा तो दिल 4 साल से टूटा है। आप सोचिएगा लड़की से टूटा होगा, लेकिन मेरा जॉब से 4 साल से दिल टूटा हुआ है। हम चार साल से फिजिकल से जुड़े हुए इंसान है। 2020 से अभी तक हम 2 आर्मी रैली में गए हैं, दोनों में एक्सीलेंट मारे हैं, मेडिकल अनफिट हुए। हम 4 साल NCC किए, सी सर्टिफिकेट है मेरे पास। उसके बाद बिहार पुलिस का तैयारी किए, पेपर अच्छा गया, एग्जाम कैंसिल हो गया। फिजिकल जो भी अच्छा था, अब धीरे धीरे फिजिकल न करने से खराब होता। मुख्यमंत्री जी मैं आपसे विनती करता हूँ, आप
जॉब वॉक अब दीजिएगा। ये सारे बच्चे जो है दिख रहे हैं ना, ये गुरुजी के चेला, ये सारे बच्चे जो है ना, ये सब फिजिकल में एक्सेलेंट आते हैं, लेकिन आप नौकरियां कब दीजिएगा ये बताइए चैनल के माध्यम से गुरुजी। अगर अगर इधर भी बीच में अगर नहीं निकाले एडमिट कार्ड और एग्जाम ना हुई तो उसकी क्या किया जाए। देखिए कहीं ना कहीं गुरुओं का भी हालत खराब है। हम लोग बच्चों के लिए यहाँ पर काफी रिसोर्स है, हमारे पास भी 10-12 उम्मीद तो गुरु जी उन पर ही टूटा हुआ है ना सर। और बच्चे आते जाते हैं तो हम लोगों को भी बहुत सिरदर्दी है इसका। तो जितना जल्द अगर आप एग्जाम लेंगे तो हम सभी के लिए, आपके लिए भी अच्छा है। हम सभी बिल्कुल, गवर्नमेंट से इंसान क्या चाहता है, भर्ती चाहता है, गवर्नमेंट से क्या चाहता है, अच्छा रूल एंड रेगुलेशन चाहता है, और क्या चाहता है, बढ़िया से सिस्टम चले। अगर आप सिस्टम बढ़िया से चलाएंगे तो हम आपको बिल्कुल चाहेंगे और हमेशा चाहेंगे कि आप सरकार में आए और हम जैसे युवाओं का भला हो, और पूरे बिहार में हम वर्दी ही वर्दी हर जगह दे, और नौजवान यहाँ से इंडियन आर्मी के हर एक रेजिमेंट में रहे, नेवी में रहे, एयरफोर्स में रहे, बिहार पुलिस में हो, हम सभी बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं। बस आपका हाथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। तो आप जल्द से जल्द 21,391 की बहाली की एग्जाम कराएं, इसके लिए दिल से आग्रह है। और हम ऐसा ना हो कि हम सभी को फिर इसके लिए कंपेन वगैरह करना पड़े। ठीक है, जय हिंद। आपको कुछ कहना है बिहार पुलिस को लेकर के? जी हम तो यही कहेंगे मुख्यमंत्री जी से कि जल्द से जल्द बिहार पुलिस का ज्ञान निकाले और बच्चे लोग का भविष्य के बारे में सोचे। नहीं तो यही सब बच्चा है कि आगे चल के कौन चोर बनेगा, कौन डकैत बनेगा, कौन बिहार में यूपी से दारू लेकर आएगा, बिहार में बेचेगा, क्या करेगा, खाने के लिए तो करना ही पड़ेगा है? तो हम तो यही कहेंगे कि नीतीश कुमार जी से आग्रह है, हाथ जोड़ के भी विनती कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बिहार पुलिस का एग्जाम निकालें, बच्चे का लाइफ के बारे में सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी सर्किल में थे सारे लोग जो है ना, गुरु के जितने भी शिष्य थे सारे लोग एक्सेलेंट लाए थे, ठीक है ना। और ये कहीं ना कहीं थे कि फिजिकल में अनफिट नहीं है, फिजिकल में फिट है, लेकिन मजबूरी और शिकायत किस बात का है कि शिकायत इस बात का है कि मुख्यमंत्री जी आप जो है ना, आपका कुछ ठिकाना ही नहीं रह रहा है कि बच्चों के बारे में क्या ठिकाना कहिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए बताइए क्या है, लास्ट में क्या बोलेंगे? मेरे गुरुजी बोलते हैं कि अब की दोस्ती ना पानी ना आग ना तोरा बिया के हरदी से हुई, और प्यार दिल से ना बिहार पुलिस को हरदी से हुई। हाँ।